इंसान अपने जीवन में खूब मेहनत करता है मगर फिर भी उसे मनचाही सफलता नहीं हाथ लगती। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन सब के पीछे वास्तु दोष का कारण भी हो सकता है। दरअसल वास्तु वो विज्ञान है जो किसी भी स्थान के पंच तत्वों को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऐसे में घर में अगर वास्तु के अनुसार चीजें नहीं है तो ये वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार घर में कुछ अनुपयोगी चीजों का मौजूद होना भी वास्तु दोष का कारण बनता है। ये वस्तुएं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं जिसका असर सीधा हमारे घर के परिजनों पर पड़ता है। इसलिए घर में ऐसी चीजों को नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आपको अपने घर से कौन सी 5 वस्तुओं को हटा देना चाहिए जिससे आपके घर से वास्तु दोष खत्म हो सकता है। इसमें सबसे पहला है कि स्टोर में रखे पुराने सामान को बाहर करें। इसका कारण है कि पुराने और बेकार सामान न केवल जगह घेरते हैं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं। ये चीजें हमें भूतकाल में बांधे रखती है और आगे बढ़ने में बाधा बन सकती है। इसमें आप उपाय कर सकते हैं कि पुराने कपड़े, टूटे हुए बर्तन, खराब खिलौने आदि को नियमित रूप से आप दान दे सकते हैं या फिर फेंक सकते हैं। इसमें दूसरा है उलझे हुए तार। उलझे हुए तार न केवल दिखने में बुरे लगते हैं बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। ये तार हमारे जीवन में उलझन और अराजकता का संकेत देते हैं। उलझे हुए तारों को आपको समय समय पर सुलझाना चाहिए या फिर उन्हें हटा देना चाहिए। इसमें अगला है अखबार। पुराने अखबारों में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है। ये अखबार हमारे घर में नकारात्मकता को फैलाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं। आपको पुराने अखबारों को नियमित रूप से बेचते रहना चाहिए या फिर उसे घर से बाहर कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए। इसमें अगला है पुराने खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पुराने और खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न केवल ऊर्जा की बर्बादी करते हैं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी हो सकते हैं। इसलिए आपको पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए ताकि उसका उचित निवारण हो सके या फिर उसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। इसमें अगला है रुकी हुई या फिर बंद घड़ी। रुकी हुई या फिर बंद घड़ी समय के ठहर जाने का संकेत देती है और हमारे जीवन में स्थिरता लाने में बाधा बन सकती है। इसलिए आपको रुकी हुई या फिर बंद घड़ी को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए या फिर उसे घर से हटा देना चाहिए। इसके अलावा वास्तु दोष दूर करने के कुछ अन्य उपाय भी हैं, जिसमें है कि घर को नियमित रूप से आपको साफ सफाई करनी चाहिए, घर में पर्याप्त रोशनी रखनी चाहिए, घर में हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए और आपको घर में हरे पौधे लगाने चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से ध्यान और योग भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपने घर से इन वस्तुओं को हटा देना चाहिए। यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।